ready to go at home. बच्चा फर्स्ट क्लास है, कोई इश्यू नहीं है. इसको बीसीजी पोलियो और हेपेटाइटिस बी अभी दे रहा हूँ. नेक्स्ट डोज जो इसका आएगा 1.5 महीने पे आएगा, उसके पहले कुछ नहीं है. राइट. पर एक बार बच्चा अराउंड 5 to 7 days का हो जाएगा तो आके दिखाना अच्छा है. बिकॉज फिर उसको जॉन्डिस नहीं है ना, यूरिन आउटपुट बराबर है ना, फीडिंग बराबर जा रहे ना, वॉमिटिंग नहीं कर रहे ना, ये सब मालूम पड़ जाएगा. ओके. इसमें और वेट अगर नॉर्मल है कि नहीं वो चेक करेंगे. ओके. तो मैं आपको टेलीफोन नंबर फाइल सब दे रहा हूँ, फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए. अभी आज क्या है, 29th, 30th, 1st, 2nd, 3rd, maybe 3rd को दिसंबर. अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. हाँ जी, अपने बारे में बता दीजिए. हाँ, मैं डॉक्टर कुलकर्णी, सुहास कुलकर्णी, आई एम अ पीडियाट्रिशियन. ओके. बच्चों का डॉक्टर, यहाँ पर मैं एसोसिएट हूँ, पिछले 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन. ओके. तो मैंने अटेंड किया था आपके बच्चे का डिलीवरी और अभी मैं इसको बीसीजी और पोलियो कविल हॉस्पिटल. मेरा 30 साल पुराना है, 32 साल पुराना चिरंजीवी हॉस्पिटल, अपोजिट टीएमसी बिल्डिंग, टीएमसी के ठीक सामने पाचपाकड़ी में. ओके. ये फाइल दिया है, उस पर सब एड्रेस और फोन नंबर. ओके. तो फ्रेंड्स, आज है सेकेंड डे और जैसे कि आप लोगों को पता है हॉस्पिटल में एक पेडियाट्रिशियन ज़रूर आते हैं बच्चों को देखने के लिए. तो यहाँ पर बाबू को पोलियो और ये बीसीजी का टीका लग रहा है और ये बहुत ज़रूरी होता है देना. और जैसे कि मेरी भाभी थी, मतलब ये डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या करना है. और जैसे मेरी भाभी एडमिट थी तो वहाँ पे डॉक्टर आए थे तो ये सब किए थे, बट उन्होंने कैल्शियम और D3 नहीं दिया था, मतलब सजेस्ट ही नहीं किया था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. तो इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों के लिए. एंड इस वक्त क्या करना है आपको, सिंपल चीज़ें हैं, पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. ये इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे, नॉट कंटिन्यूस एक टाइम नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम बाहर लगाएंगे उतना जल्दी न्यू आना शुरू हो जाएगा. ओके. ब्रेस्ट प्रॉपर्ली एम्प्टी नेक्स्ट टाइम आपको दिख जाएगा, ऐसा है. सो वॉन्ट डूइंग द बेबी डॉ सेकंड बेबी यू गेट इट फास्ट, कोई इश्यू नहीं है. फिर दूसरा, अराउंड फर्स्ट 2 वीक्स हेल्थ सजेस्ट की उसको ज़्यादा मालिश वाली मत कराइए, जस्ट सिंपल पूछ के लेंगे तो पूछ लगेगा, सिंपल स्नान कराएंगे तो पूछ लगेगा. टू वी बेबी सी ड्रॉपिक के लिए कितना डोज और सब लिखो. ओके. एंड इफ द बेबी इज वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग फीड के पहले दवाई देखिए, फीडिंग देंगे तो वॉमिटिंग के चांसेस कम हो जाएगा. एंड के द बेबी एज फार एज पॉसिबल आइदर लाइक दिस और स्लाइट स्लोप, थोड़ा स्लोप रखेंगे तो ग्रेविटी से दूर के बाहर नहीं निकलेगा. अभी बच्चों को क्या होता है कि दे हैव टेंडेंसी टू ब्रिंग आउट इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग, सब कभी इवन डेकार के साथ भी लोग दूर बाहर निकल जाता. सो दैट शुड बी टेकन केयर. बाकी तो अच्छा है बच्चा. बाबू को लेके जाएगा, कौन लाया लल्ला? छोटा बाबू को अपना चप्पल देगा. देख कैसे पीहू का बाबू है. तुम रहना मेरे घर पे, मेरे को बोलते मैं रोज आपके घर आऊंगी. ठीक है, अब बाबू ले लेना तो मैं रोज आपके घर आऊंगी. मतलब छोटा बाबू तुम लेना, मम्मी मुझे प्यार नहीं करेगी. प्यार पीहू को ऐसा लग रहा था और लगता बस पीहू बिंदु मम्मा ने लिया ना, कितना क्यूट लग रहा है. असं तसं काय पण काम नाही, एकदम नीट अँड क्लीन कामं करून देतात हॉस्पिटल मध्ये. 4-5 मावशी आहेत ना तुम्ही? 5 आहेत ना, सगळी चांगली आहेत.
ना तेच ना, कामाला किती प्रेमाने करतात तेच खूप छान वाटते. पण मेहंदी चालेल सीमा, मुझे उपमा खा रही हूँ मैं और बहुत अच्छा बनाई हो. सीमा मेरी भाभी है जो लोग को पता है, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं. सुबह भाई आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, सब खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है हमें. और थैंक यू सो मच कि हॉस्पिटल में भी घर का खाना हम लोग को मिल रहा है. जो खाना सादा लगता था ना, वो भी आज अमृत जैसा लग रहा है. ऐसे लग रहा है वाह कितना अच्छा है, मूंग दाल की खिचड़ी. और हाँ, आपने सजेस्ट करना कि ऑपरेशन में जैसे कि क्या खा सकते हैं, और ये सब सजेस्ट करना और बहुत सारे ब्लेसिंग देना मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, सभी को. रेडी टू गो एट होम. आज है 30 नवंबर. वेलकम बैक टू ललिता, वापस से पहले जैसी. हाँ, और बोलने को नहीं हो रहा एक्चुअली मुझे. आज मंडे है, संडे को हमने डिस्चार्ज नहीं लिया क्योंकि संडे को नहीं जाते. आज का मंडे बहुत ही अच्छा दिन है, तो बस घर जा रही हूँ. बहुत एक्साइटेड हूँ. बस अभी डॉक्टर आई वीक के बाद वही आज खड़ी होके कैमरा उठाई है अपने हाथ में. हाँ चलिए फिर घर जाके फिर मिलती हूँ. हाँ है ना. और यही वाला मैंने गाउन पहन लिया आज, और बाबू जी को शोल है मेरा बच्चा. बहुत सारी ब्लेसिंग देना आप लोग, बहुत सारी ब्लेसिंग देना. पहले हम कर रहे हैं थोड़ा सा फोटो शूट, आप लोग बताना कैसा लग रहा है. आप लोगों के ये देखिए, आप लोगों के लिए हम फोटो शूट हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं. हॉस्पिटल में भी टाइम है तो टाइम पास कैसे करें, तो सोच रहे चलो थोड़ा सा कर देते हैं. बाबू भी सो रहा है. महादेव, हजर महादेव, साईं बाबा की जय. जय जय बोले हो. देखो बाबू पहली बार बैठा है वाली गाड़ी में, छोटा बच्चा गाड़ी में आया, गाड़ी में जा रहा है. किसके लिए केक है पीहू? ये बाबू के लिए. अय्या कितना अच्छा है, मैं जा रही बाबू को देखने. बाबू का केक है पीहू? नहीं, बाबू के. वाह बाबू के लिए सॉक्स है. वाह पीहू हैप्पी, कितना अच्छा लग रहा है तुमको. हाँ ये बाबू के लिए है, बाबू आया इसलिए केक आया ना. बाबू का सॉक्स वाला है, दिखा दो सबको सॉक्स दिखा दो. मेरे भैया का ना सॉक्स आया है, बता दो. भाई ने बेबी. ओ बेबी है. हाँ मेरे बेबी का ना सॉक्स आया, बोल दो सबको दिखा दो. वाओ बाबू को पहना दो, लेके चलो. बाबू हैप्पी, पीहू हैप्पी, कितना हैप्पी. हाँ बाबू के दिखा. हाँ बाबू के लिए सॉक्स. बाबू का सॉक्स अभी नहीं, अभी नहीं. अब केक काटते हैं, इतना बहुत वीडियो बन गया, मुझे लगता है नहीं बना पाऊंगी मैं क्योंकि स्टोरेज ही नहीं रहता है. केक काटते हैं. हैप्पी बर्थडे. बाबू तो सो गया है. लो मैं खिला रहा है ना, वो खा रहे हैं. मुझे ऑरेंज वाला मत, मौसी ना मुझे मत खिला थोड़ा.